Hey everyone, welcome to Shum's IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड टुडे आई एम विद थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास सिक्स विच इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ थी, अर्लीस्ट मतलब सबसे पुरानी वाली जो सिटीज़ थी उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिक डिस्कशन। सो द फर्स्ट इज़ द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में अब हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी पुराने बिल्डिंग्स होती हैं बेसिकली उनके पास बहुत कुछ होता है जो हमें नॉलेज दे सकती है, चाहे वो 100 साल पुरानी हो या 50 साल पुरानी हो, है ना। वैसे ही जब आज से करीब 150 साल पहले जब फर्स्ट रेलवे लाइन सेट हुई थी पंजाब में, तब इंजीनियर्स ने हड़प्पा की साइट जो आज पाकिस्तान में है उस हड़प्पा की साइट को स्टम्बल किया था, ठीक है, जिसमें उन्हें मिला एक काफ़ी रिच सोर्स, एक काफ़ी बड़ा सोर्स था उनके पास, रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का एक रेडीमेड सोर्स मिल गया था वो हमें, ठीक है। काफ़ी बिल्डिंग से वो निकाली जा रही थी और काफ़ी तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुकी हो गई थी, ठीक है। आज से करीब 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट्स मिली और हमें पता चला कि ये सब कॉन्टिनेंट्स जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है उसकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है, सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है हरप्पा, ठीक है। और ये सबसे पहली सिटी भी बनी विच वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। ऑल अदर साइट्स जैसे जो भी बिल्डिंग्स है, हर चीज़ है, वो सब कुछ जो है वो सब कुछ सब फर्स्ट टाइम हमें हड़प्पा से ही मिला था, ओके। ये जो सिटीज़ थी अगर हम देखें तो ये आज से 4700 ईयर्स अगो डेवलप की गई थी। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इनके बारे में स्पेशल क्या था। बेसिकली ये सिटीज़ दो या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया गया था। यूजुअली जो भी वेस्टर्न पार्ट, जो भी वेस्ट वाला पार्ट था वो छोटा था बट वो काफ़ी ऊंचाई पे था, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसको एज सिटाडेल डिस्क्राइब किया, इसका नाम दिया गया सिटाडेल, ठीक है। और जो ईस्ट साइड पे था वो एरिया तो बड़ा था बट वो लोअर था और तो उनको लोअर टाउन का नाम दे दिया गया, ठीक है। यूजुअली जो है वो ब्रिक्स ब्रिक्स यूज़ की गई थी इन पार्ट को, इनको घर वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो भी ब्रिक्स थे ये अच्छे से बेक थी, इसीलिए है कि वो हज़ारों साल तक भी आज तक टिकी हुई थी, ठीक है। ये ब्रिक्स जो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखी गई थी ताकि वॉल्स जो है वो स्ट्रांग रहे, ठीक। सो कुछ कंट्रीज कुछ सिटीज़ में जो सिटाडेल है जो हमने अभी पढ़ा, उनको ना एक उनको उनकी उन जगह पे ना कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी जाती थी डैट फॉर अ स्पेशल पर्पज़, ठीक है। जैसे मोहनजोदारो में एक टैंक बना दिया गया था सिटाडेल में, अ फेमस टैंक विच वॉज जिस जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला द ग्रेट बाथ, ठीक है। ये बेसिकली ब्रिक्स के साथ और प्लास्टर के साथ, मतलब ब्रिक्स की बनी थी और प्लास्टर के साथ उनको उसको कोट किया गया था ताकि पानी जो है वो नेचुरली वहाँ पे टाइट रहे, पानी गिरे ना, ठीक है। तो दोनों तरफ में सीढ़ियाँ थी जाने के लिए अंत, ठीक है। इसका फोटो है यहाँ पर, हेयर दिस इज़ द ग्रेट बात। आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए दोनों साइड पे, एंड ये वाला जो एरिया है इधर बेसिकली वाटर हुआ करता था और ये पूरा एरिया जो ये इस तरह बनाया गया था कि ये वाटर टाइट था, ठीक है। उसके अलावा कालीबंगन और लथाल जैसी एरियो पे फायर अल्टर्स थे, फायर अल्टर्स जो कि यूज़ की जो कि शायद सेक्रीफाइस यानी बलि देने के लिए यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। और मोहनजोदारो हड़प्पा और लथाल में इनको कुछ काफ़ी इनको मतलब एज अ स्टोर हाउसेज भी यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यूजुअली जो हाउसेज थे वो नॉर्मली एक या दो स्टोरी के हुआ करते थे, ठीक है, वन और टू, फर्स्ट और सेकंड स्टोरी। रूम्स काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ट थे अराउंड द कोर्ट यार्ड। उसके अलावा हाउसेस में जो बाथिंग एरिया था वो सेपरेट था, ठीक है। और कुछ घरों पे वेल्स भी थे फॉर वाटर सप्लाई, ओके। सो काफ़ी सिटीज़ में ड्रेन्स बने हुए थे और एक बहुत ही
केयरफुल चीज़ ये थी कि उनको बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया गया, मतलब स्ट्रेट लाइन में बनाया हुआ था। जो ड्रेन थे वो बेसिकली जेंटल स्लोप थे ताकि जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर सके। इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी गुड सिस्टम फॉर द रेन वाटर, ठीक है। और ये जो ड्रेन्स थे ये बेसिकली घरों को और गलियों को आपस में कनेक्ट भी करते थे, ठीक है। तो ड्रेन जो है उनको अच्छे से ऊपर से कवर किया गया था और बीच में कुछ इंस्पेक्शन होल्स रखे गए थे ताकि वो क्लीन रहे ना। थोड़ा सा बीच में उनको होल दिया गया था एज अ इंटरवल ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उनको साफ कर दिया जाए, ठीक है। तो शायद ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि जो हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स थे इनको सेम सेम टाइम में प्लान करके बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे है देखो, दिस इज़ द फोटो ऑफ द ड्रेन, ठीक है। ये देखो ये पूरी गली कैसे इस ड्रेन से कनेक्टेड है, दिस ड्रेन, ठीक है। लाइफ इन द सिटी, हरप्पन सिटी में लाइफ कैसी थी। हरप्पन सिटी काफ़ी बिजी प्लेस थी, वहाँ पे बहुत तरह तरह के स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती थी। स्पेशली वो रूलर्स बनाते थे और रूलर्स जो थे वो मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स है, मेटल्स है, उन लोगों को भी उन चीज़ों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। क्योंकि इनसे आगे जाके और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते थे, जैसे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स या फिर ब्यूटीफुल बीड्स उनके लिए, ठीक है। और यहाँ और कुछ थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वो लोग थे जिनको लिखना आता था, दे नो हाउ टू राइट, जो कि सील्स प्रिपेयर करने में मदद करते थे, ठीक है। एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, ओके। मैन और वुमेन के उसके अलावा मैंस और वुमेन्स थे जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है। ये देखो एक कुएं का भी यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, हाउ वॉज द वेल, वेल इस तरह का हुआ करता था। सॉरी, तो जो क्राफ्ट मैंस थे वो जिस वुमेन्स और मेन्स दोनों ही बहुत अच्छे क्राफ्ट किया करते थे, या तो अपने लिए या तो अपने वर्कशॉप के लिए, ठीक है, स्पेशल वर्कशॉप के लिए। उसके अलावा काफ़ी टेराकोटा टॉयज़ भी देखने को मिले। दीज आर द टेराकोटा टॉयज़, ऐसे टॉयज़ देखने को मिले जिससे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि वहाँ के जो बच्चे थे वो इन टॉयज़ से खेला करते होंगे, ओके। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, देखो मोस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा डैट वॉज ब्रॉन्ज शेल एंड मेटल, ये ज़्यादा चीज़ें देखने को हमें मिली। और मेटल्स में क्या था, मेटल्स में था कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था टूल्स और वेपन्स और ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने में, जबकि गोल्ड और सिल्वर का सिर्फ यूज़ होता था ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में ही, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स भी देखने को मिलती है हरप्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। उसके अलावा जो हरप्पन सिटी है वो सील्स भी बनाया करते थे, स्टोन के सील्स बनाया करते थे जो जनरली रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, जिसमें एनिमल कार्व, एनिमल की फोटो या फिर एनिमल को कार्व किया जाता है, ठीक है, नॉट फोटो बट एनिमल को उसमें कार्व किया जाता है, मतलब वो बनाया होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी हरप्पन के हरप्पन पोर्ट्स थे उन पर ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन किया बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा कोटन जो है वो सबसे पहले शायद जो मेहरगढ़ में बनी, मेहरगढ़ में ये बनी अराउंड 7,000 साल पहले, ठीक है। जबकि क्लॉथ का एक एक्चुअल पीस जो मिला वो मिला एक सिल्वर वेस के कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स और सिल्वर वेस के साथ, मतलब एज अ लिड उसको अटैच किया, लिड के साथ उसको अटैच किया गया था मोहनजोदड़ो में। और आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉल्स में मिले। स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं, स्पिंडल वॉल्स आपने देखा होगा, एक स्टिक होता है उसमें बीच में एक डिस्क जैसा लगा होता है जिसे ऊन काटते हैं, आपने देखा होगा फोटोज़ वगैरह में या कहीं पर, ठीक है। थ्रेड काटने के, थ्रेड को स्पिन करने के लिए, ऊन काटने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो टेराकोटा और फैंस का बना हुआ होता था। उसके अलावा जो भी थिंग्स ये प्रोड्यूस होती थी ये ज़्यादातर स्पेशलिस्ट का काम था, स्पेशलिस्ट ही ये काम किया करते थे, बिकॉज स्टोन को कैसे काटना है, कैसे बीड को पॉलिश करनी है, सील्स में कैसी कैसी क्रेविंग करनी है, ये एक एक्सपर्ट का ही काम था, इसे कोई भी आके नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके अलावा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली मिलता है या फिर जिनको फार्मर या हर्डर बनाते हैं जिससे आगे हम और फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हरप्पन जो हरप्पन थे जो भी लोकल अवेलेबल जो लोकली जो भी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी उनका वो यूज़ किया करते थे, जिनमें से भी जो आइटम होते थे वो बेसिकली कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और कुछ प्रीशियस
स्टोन्स के होते थे, ठीक है, जो थोड़ा डिस्टेंट प्लेस से लाना पड़ता था। हरप्पन्स कॉपर लाया करते थे प्रेजेंट डे राजस्थान से और ओमान से भी, जो कि वेस्ट एशिया में है, ठीक है। उसके अलावा टिन को टिन टिन बनाने के लिए, ठीक है, टिन को कॉपर से मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आज के टाइम पे जो अफगानिस्तान है और ईरान है वहाँ से लाया जाता था। गोल्ड जो है वो आज के टाइम पे जो कर्नाटका है वहाँ से लाया किया लाया जाता था। और प्रीशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। फूड, फूड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे लोग जो है वो क्रॉप्स ही ग्रो करते थे और एनिमल्स को पालते थे, ठीक है। जो हरप्पन एरिया में जो भी हमें देखने को मिलती है क्रॉप्स, प्लांट्स, बेसिकली डेट वॉज व्हीट, बार्ली, पल्सिस, पीस, राइस, सीजम, लिंसिड और मस्टर्ड, ठीक है। उसके अलावा हमें प्लो भी देखने को मिलता है, जिससे अर्थ को यू नो जिससे खोदने के लिए, सीड्स वगैरह प्लांट करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी रीजन ऐसे भी थे जहाँ पे रेनफॉल नहीं मिलती थी, इसलिए इरिगेशन का भी तरीका उन्होंने ढूंढा था, ठीक है। वाटर को स्टोर करके रखते थे वो लोग, और जब ज़रूरत थी तब वो उनको मतलब प्लांट्स में डाल दिया करते थे, ठीक है। जो हरप्पन थे वो बेसिकली शीप, गोट और बफेलो जैसे जानवर को पाला करते थे, ठीक है। जब ड्राई समर्स का मंथ आता था तो जो ह्यूमन जो एनिमल्स के जो लार्ज हर्ड्स थे उनको काफ़ी दूरी पे ले जाया जाता था, काफ़ी दूर एक लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाया जाता था ग्रास और पानी के लिए, ठीक है। वो बेर जैसे फ्रूट्स को भी खाते थे। उसके अलावा फिश पकड़ते थे और एंटेलोप जैसे वाइल्ड एनिमल को मारकर खाते थे, ठीक है। हरप्पन टाउन्स इन गुजरात, देखो धोलावीरा की जो जगह है जो कि खादीर बेल्ट में है, रन ऑफ कच्छ में, ये एक काफ़ी फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोइल का सोर्स था, ठीक है। और जबकि धोलावीरा जैसी कुछ ऐसी जगह थी जो तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड की गई थी, जो कि मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड थी, ठीक है। काफ़ी गेटवेज भी थे यहाँ पे। उसके अलावा ये जो एरिया था ये सेटलमेंट में ओपन था और पब्लिक सेरेमनीज वहाँ पे हुआ करती थी। बड़ा एरिया का सेटलमेंट किया जाता था ताकि कोई भी जो सेरेमनीज है वो वहाँ पर हो सके, ठीक है। उसके अलावा जो और चीज़ें हमें हरप्पन सिविलाइजेशन या हरप्पन एरिया में मिली है, डैट वॉज हरप्पन स्क्रिप्ट, जो कि वाइट स्टोन्स पे या फिर वुड पे लिखा जाता था, ठीक है। ये काफ़ी मतलब यूनिक तरीका है हरप्पन राइटिंग, छोटी छोटी सील्स पे लिखना, ठीक है। हरप्पन लोग जो करते थे छोटी छोटी जगहों पर अपनी मतलब अपनी चीज़ें लिखा करते थे। उसके अलावा लोथाल जो था वो साबरमती रिवर के ट्रिब्यूटरी में गुजरात में मतलब गल्फ ऑफ खंबत के पास था, जिसमें काफ़ी रॉ मटेरियल्स जैसे प्रीशियस स्टोन्स इजीली मिल जाया करते थे। तो लोग यहाँ पर मेटल्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते थे, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आके रहा करते थे। मिस्ट्री ऑफ द एंड, जब सब कुछ इतना सही था तब एंड क्यों आया? आज से करीब 3900 पहले इन जगह पर मेजर चेंज का बिगनिंग हुआ, ठीक है। जो भी राइटिंग थी, सील्स थी, वेट्स, ये और ज़्यादा यूज़ नहीं किए जा रहे थे, ठीक है। दूर लॉन्ग डिस्टेंस से रॉ मटेरियल को लाना बहुत रेयर हो गया था। मोहनजोदारो में हमें काफ़ी ड्रेनेज सिस्टम टूटे हुए दिखते हैं और हाउसेस नहीं बने हैं काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है। इवन स्ट्रीट्स में भी काफ़ी वो है, कमी है। तो ऐसे में स्कॉलर्स जो है वो उनको लगता है कि ऐसा इसीलिए हुआ तो ताकि क्योंकि नदियाँ सूख गई, जबकि कुछ बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक मेजर रीज़न हो सकता है। कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी, ब्रिक्स वगैरह को बनाने के लिए, शायद ये रीज़न हो, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि इतने सारे उन्होंने जानवर पाल के रखे थे तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रीन कवर है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, कुछ एरिया में फ्लड आ गया हो, बट इनमें से कोई भी रीज़न इन सभी का एंड नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। काफ़ी जगहों पे फ्लड आया और काफ़ी जगह पे रिवर सूख भी गई, बट कुछ ही एरिया में ऐसा हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो भी सिंध और वेस्ट पंजाब जैसे एरिया थे वो अबेंडन हो गए, लोग नई जगहों पर और छोटे छोटे सेटल्समेंट में टू आउट द ईस्ट एंड द साउथ बनाने शुरू किए। और
आज से करीब 1400 ईयर्स अगो न्यू सिटीज एमर्ज हुई, जिनको हम आने वाले फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।